हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आज के लेक्चर में हम सेट्स चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सो सेट्स चैप्टर आपकी एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा समझते हैं कि सेट्स होते क्या हैं। सेट्स रेफर टू अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आप सेट्स की अगर डेफिनेशन पे जाएं, तो हम अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करके एक बकेट में डाल दें, उसको हम बोलते हैं सेट्स। एंड अगर ज़्यादा डिटेल में पढ़ें, उसको हम वेल डिफाइंड कलेक्शन बोल दें, तो वो ज़्यादा बेटर है। कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को अगर आप सेट बोलते हैं, फॉर एग्जांपल एक बकेट में अगर आप सारे के सारे एप्पल्स डाल देते हैं, सो वो एक जैसी कलेक्शन है। एक बकेट में आप सारे के सारे ईयरिंग्स डाल देते हैं, तो एक जैसी कलेक्शन है, ठीक है। सो सेट्स क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है कि आप बकेट में बता सकते हैं कि इस बकेट में हम इयररिंग्स की बात कर रहे हैं या इस बकेट में हम एप्पल्स की बात कर रहे हैं, तो दैट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। कुछ हम साइन नोटेशंस हैं जो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे और आपको पता होनी चाहिए वो साइन नोटेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल एन, जहाँ पे भी आपको इस चैप्टर में दिखे कि कैपिटल एन की बात कर रहे हैं, इट मींस दे आर ट्राइंग टू से द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, कि एन स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर्स, कि वो नेचुरल नंबर्स के सेट की बात कर रहे हैं जब वो कैपिटल एन लिखते हैं। ऐसे जब वो जेड लिखते हैं, तो वो सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करते हैं, ठीक है, कि इसमें सारे इंटीजर्स हैं। जो वो क्यू लिखते हैं, क्यू मतलब वो ऑल रैशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं। जब कैपिटल आर लिखते हैं, तो सारे के सारे रियल नंबर्स की बात करते हैं। जब वो जेड प्लस की बात करते हैं, देखो जेड इंटीजर्स के लिए डिनोट होता है और जेड पॉजिटिव मींस पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। सेम वेज क्यू रैशनल नंबर्स के लिए, जब क्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रैशनल नंबर के लिए। आर रियल नंबर्स के लिए है, आर पॉजिटिव मींस पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए। तो ये तो कुछ नोटेशंस है जो मैंने आपको बता दिए कि कौन से अल्फाबेट्स किसके लिए यूज होते हैं। अब एक और चीज, हम एक और सिंबल देखते हैं। आपको अगर ऐसे लिखा हो कहीं पे कि स्मॉल ए, ये जो ई जैसा साइन आपको दिख रहा है, इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो ये जो ये वाला साइन है, इसका मतलब क्या होता है? ये बेसिकली, इसको अगर हम नाम से बुलाएं, ये ई दिखने वाला साइन, इसको हम एप्सिलॉन बोलते हैं और ये एक ग्रीक सिंबल है। बट आम भाषा में बोले तो ये बिलोंग्स टू का साइन है, मतलब स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये कैपिटल ए सेट है, इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है स्मॉल ए, तो स्मॉल ए इस कैपिटल ए सेट को बिलोंग करता है। आप मान लो एक जैसे आप बकेट बना लो, अगर मैंने यहाँ पे एक बकेट बना दी है, फॉर एग्जाम्पल ये बकेट है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ, और मैंने इस बकेट का नाम दे दिया कैपिटल ए। अब कैपिटल ए बेसिकली सेट है, सेट मींस ये बकेट, इस बकेट में एक एलिमेंट है स्मॉल ए, और मैंने लिख दिया कि स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, कि ये जो ए है स्मॉल ए, ये इस कैपिटल ए बकेट को बिलोंग करता है। इसका मतलब ये है, दिस इज अ वेरी लेमन लैंग्वेज, आई होप आपको समझ में आई हो। जैसे हम वोवल्स के लिए कहते हैं, फॉर अ सेट वी ऑफ वोवल्स, अगर हम वोवल्स का सेट बना लें ए ई आई ओ यू, ये सेट बना लें और इसको सेट को नाम दे दें हम कैपिटल वी, तो वही लिखा है फॉर अ सेट वी ऑफ वोवल्स स्मॉल बी, ये डज नॉट बिलोंग, जब आप ऐसे लाइन लगा देते हैं, डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल वी, मतलब ए ई आई ओ यू में बी तो कहीं आता ही नहीं है, तो यानी कि बी जो है वो इस सेट को बिलोंग नहीं करता है। सो स्मॉल बी डज नॉट बिलोंग टू सेट वी, बट स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट वी, बट स्मॉल ए जो है वो तो वी सेट को बिलोंग करता है, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा ये लिखने का तरीका है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, आगे क्वेश्चंस में यूज होगा, इसलिए थोड़ा सा ये बेसिक्स है, ठीक है। अब सेट्स के बारे में हमने जान लिया कि सेट क्या है, एक तरीके की बकेट है जिसमें हम एक जैसे ऑब्जेक्ट्स डाल देते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं एलिमेंट। जैसे ये सेट का नाम है कि ए नाम का सेट है, इसमें जो ए बी सी डी ई एफ हैं, ये क्या है, एलिमेंट्स हैं इस सेट के, ठीक है। अब सेट होते कितने तरीके के हैं, देखो दो तरीके के सेट्स होते हैं स्टूडेंट्स,
टू वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट, दो तरीके होते हैं एक सेट को लिखने के। एक तरीका होता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, दूसरा तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म जो ये तरीका है, सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में फर्स्ट एलिमेंट्स आर लिस्टेड विद कॉमास एंड ब्रेसेस। रोस्टर एंड टेबलेट फॉर्म में अगर हमने एक सेट बनाना है, उसमें कोई एलिमेंट डालने हैं, तो उन एलिमेंट को कॉमास लगा के ब्रेसेस में लिस्ट करेंगे। अब कैसे, जैसे कि आपको बोल दिया कि एक सेट बनाइए ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7, इस चीज़ का एक सेट बनाइए, तो आप क्या करेंगे, आप कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, उसके बीच में लेस देन 7 जो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वो डाल देंगे। लेस देन 7 पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ से होंगे, पॉजिटिव है तो 0 के बाद ही स्टार्ट होगा, तो यानी कि 1 से लेके 6 तक होंगे, और सब इंटीजर्स को आपने क्या करना है, कॉमा से सेपरेट करना है। तो ये जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने लेस देन 7 लिख दिया और कॉमा से सेपरेट करके लिख दिया, दैट इज योर सेट। सेट ऑफ वॉट, All positive integers less than 7। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। ऐसे ही अगर आपको बोला हो सेट ऑफ वोवल्स, तो वोवल्स का सेट अगर बनाना है, आपको पता है वोवल्स कितने होते हैं, 5 वोवल्स होते हैं हमारे पास, ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवल्स हैं, आपने इसका सेट बनाना है तो सबको कॉमास डाल के लिख देंगे और कर्ली ब्रेसेस में डाल देंगे। अगर मैंने बोला सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, तो ऑड नेचुरल नंबर्स की सेट आप कैसे लिखेंगे, 1, 3, 5, 7, आगे डैश डैश डैश, कि हमें नहीं पता कि कहाँ तक पूछे हैं। ऑड नेचुरल नंबर्स तो कहीं तक भी हो सकते हैं, स्टार्ट हम कर देते हैं कि 1, 3, 5, 7 से स्टार्ट हो रहे हैं, आगे तक जा रहे हैं और कर्ली ब्रेसेस के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड स्कूल, अगर हमें स्कूल वर्ड लिखना है तो उसमें कौन कौन से लेटर्स आ रहे हैं, कौन से आ रहे हैं, एस सी एच ओ, अब देखो फिर से ओ आ रहा है, जब सेम लेटर रिपीट हो रहा हो तो हम एलिमेंट एक ही बार लिखते हैं, ये दोबारा ओ नहीं लिखना है। ओके, एल, इसको कर्ली ब्रेसेस में डाल देते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एच ओ एल सी एस, आप आगे पीछे करके भी लेटर्स लिख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पूछा क्या है कि इस वर्ड में कौन से लेटर आते हैं, तो चाहे आप सीरीज में लिखिए चाहे आप आगे पीछे लिखिए, नोट क्या करना है आपने, बात यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस जरूर लगा लीजिए, एंड जरूर कीजिए एक सेट को कर्ली ब्रेसेस से। नोट क्या करना है, डू नॉट रिपीट द एलिमेंट इन रोस्टर फॉर्म, जब भी आप रोस्टर फॉर्म लिखें, जैसे हम अभी लिख रहे हैं ये सारी की सारी चीजें, सेट को हम रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो रोस्टर फॉर्म में कभी भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना है। स्कूल वर्ड में 2 ओ आ रहे हैं, आपने 2 नहीं एक ही लिखना है। ठीक है, तो अभी तक हमें रोस्टर फॉर्म समझ में आई कि जो भी एलिमेंट्स हैं उनको कॉमास में लिख दीजिए और उनको कर्ली ब्रेसेस से सेपरेट कर दीजिए। ऐसे ही अब हम सेकंड फॉर्म देखते हैं जिसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, देखो, ऑल द एलिमेंट्स इन द सेट पोजेसेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी व्हिच इज नॉट पोजेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। अब यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में सारे एलिमेंट एक सेट के एक सिंगल प्रॉपर्टी की ही बात कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी उस सेट के बाहर वाले एलिमेंट्स में बिल्कुल भी नहीं है। देखो, जब भी हम सेट की बात करते हैं तो हम यही बोलते हैं ना कि सब वेल डिफाइंड कलेक्शन है, मतलब एक तरीके से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे भी वही है कि सेट में जितने भी सिंगल एलिमेंट्स हैं, ऑल एलिमेंट्स जो हैं, उनकी एक जैसी ही प्रॉपर्टी होगी और वो प्रॉपर्टी उस सेट के बाहर वाले एलिमेंट्स नहीं पोजेस कर सकते। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर आपको ये चीज कुछ नहीं है, इसको आप काट दीजिए, अगर आपको एक वी सेट की बात कर रही हूँ, हम सेट का नाम देते हैं, ये सेट बिल्डर में देखिए कैसे लिखना है, वी सेट है, हमने पीछे भी लिखा रोस्टर फॉर्म में, हमने वोवल्स का एक सेट बनाया, आपको पता है कैसे है, कर्ली ब्रेसेस में ए ई आई ओ यू, हमने ऐसे लिखा, वो क्या थी, रोस्टर फॉर्म। वही चीज अगर हमें मान लो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखनी है, तो हम कैसे लिखेंगे, कैपिटल वी लिखेंगे, क्योंकि हम पहले सेट का नाम देंगे, फिर इज इक्वल टू डालेंगे, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे। अब इस वी सेट में
कोई जितने भी वॉवल्स हैं उनको एक वेरिएबल से हम नाम देंगे। वो वेरिएबल मान लो एक्स है, अब एक्स को कॉलन डाल के हम आगे डिफाइन करेंगे कि एक्स मतलब क्या। एक्स इज अ वॉवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, हमने डिफाइन कर दिया कि एक्स क्या है, एक वॉवल है इंग्लिश अल्फाबेट में। ठीक है, ये जो कॉलन डालते हैं, कॉलन का मतलब क्या होता है, सच दैट, जैसे हम ऐसे लिखे ना कि एक्स इज सच दैट, डिफाइन कर रहे हैं हम कि क्या है वो। डिफाइन करने में हमने क्या बताया कि एक्स एक वोवल है जो कि इंग्लिश अल्फाबेट में। ठीक है, एक और एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मैंने ए सेट लिखा, उसको आगे डिफाइन किया, कर्ली ब्रेसेस डाली, एक वेरिएबल दिया उसके सारे एलिमेंट्स के लिए, और आगे उस एक्स वेरिएबल को क्या डिफाइन किया कि एक्स इज अ नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कहाँ पे है, एंड एक्स रेंज इज फ्रॉम 3 to 10। मतलब मैंने एक सेट बताया जिस सेट में नेचुरल नंबर आते हैं, और वो नेचुरल नंबर कहाँ पे आते हैं, 3 से लेके 10 तक आते हैं। ठीक है, अब मान लो इसी चीज़ को मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना हो, तो वो क्या मतलब है कि अगर एक सेट है तो उसमें नेचुरल नंबर आ रहे हैं 3 से लेके 10 तक। अब यहाँ पे देखो इज इक्वल टू साइन नहीं है, 3 के बाद और 10 से पहले, तो मतलब क्या एलिमेंट्स आ रहे होंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो आ नहीं रहा होगा। तो ये आपका बेसिकली क्या है, रोस्टर फॉर्म। अगर इसी चीज़ को आपने डिफाइन करना हो सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आप क्या लिखोगे कि ए नाम का एक सेट है जिसमें एक्स एलिमेंट्स हैं। अब एक्स एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या है कि वो एक नेचुरल नंबर है और वो 3 से लेके 10 के बीच में आते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को कैसे पढ़ेंगे, वही चीज़ मैंने नीचे लिखा हुआ है कि इज रेड एज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड इट लाइज बिटवीन 3 and 10। ठीक है, वही चीज़ मैंने एक्सप्लेनेशन दी लिखी हुई है जो मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, सो आपने दो चीज़ें सीखी कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, रोस्टर फॉर्म क्या होती है। सो सेट बिल्डर फॉर्म में आप ऐसे डिफाइन करके चीज़ें लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में आप कर्ली ब्रेसेस में सिर्फ कॉमा से सेपरेट करके सीधा एलिमेंट्स लिख देते हैं। ठीक है, तो जितना बेसिक्स आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए ज़रूरी था उतना बेसिक आप कर चुके हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करेंगे ताकि सब कुछ हौच पौच ना हो जाए। बस आज की डेट के लिए आपने क्या बच्चों दिमाग में रखना है, सेट क्या होता है, फिर सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, रोस्टर फॉर्म क्या होती है। तीन चीज़ें भी आज सीख ली तो बहुत है। ठीक है, अब एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। आप एग्जांपल नंबर 1 देख सकते हैं। एग्जांपल नंबर 1 में आपको बोला राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन द रोस्टर फॉर्म। आपको एक इक्वेशन दे दी और इसका क्या बोला है, सॉल्यूशन सेट निकालना है, मतलब इसका सॉल्यूशन निकालना है और उसको सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। और सेट कौन सी फॉर्म में होना चाहिए, रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, दो फॉर्म्स पढ़ी हैं आपने, रोस्टर एंड सेट बिल्डर, तो रोस्टर फॉर्म में। तो अब क्या करेंगे, पहले तो इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो सॉल्यूशन आपको पता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आप निकाल सकते हैं सॉल्यूशन। तो इसको सॉल्व कीजिए, 2 के फैक्टर्स आपको बताने हैं और प्लस x आना चाहिए, तो 2x माइनस x फैक्टर्स हो जाएंगे। आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कीजिए, इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2, x माइनस 1 एंड x प्लस 2 आपके फैक्टर्स बन जाएंगे। तो एक बार x माइनस 1 को 0 के इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, एक बार x प्लस 2 को 0 के इक्वेट करेंगे x की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी। ठीक है, अब ये तो x की वैल्यूज आ गई, आपने सॉल्यूशन सेट बनाना है, तो सॉल्यूशन सेट और वो भी रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में स्टूडेंट्स कैसे होता है आपको पता है, ये एलिमेंट्स में कॉमा डाल के सेपरेट करके लिख देना, तो दो ही तो एलिमेंट्स हैं इसमें, 1, -2, और उनको ब्रेसेस में डाल देंगे तो बन गई रोस्टर फॉर्म। ठीक है, आसान था। एग्जांपल नंबर 2 करते हैं। राइट द सेट x वेयर x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन 40 इन रोस्टर फॉर्म। अब देखो रोस्टर फॉर्म में लिखना है और यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, तो ये डेफिनेशन वाली कौन सी फॉर्म होती है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपको यहाँ से समझना है कि सेट में कौन से एलिमेंट आते होंगे। उन्होंने बोल दिया कि x एक पॉजिटिव इंटीजर है और x का स्क्वायर जो है वो 40 से कम होता है, तो रोस्टर फॉर्म में बताइए। अब देखो पॉजिटिव इंटीजर की बात की है तो 0 के बाद ही स्टार्ट हो रहा होगा और स्क्वायर करके उनका लेस देन 40 आना चाहिए, तो देख लेते हैं। सेट बनाते हैं, कर्ली ब्रेसेस डाली, पॉजिटिव इंटीजर 0 के बाद स्टार्ट होता तो 1 देखते हैं, 1 का स्क्वायर तो 40 से कम होता है, ठीक है डाल दिया। 2 का स्क्वायर
फोर 40 से कम होता है, 3 का स्क्वायर 9 40 से कम होता है, 4 का स्क्वायर 16 वो भी लेस देन 40 है, 5 का स्क्वायर 25 वो भी लेस देन 40 है, 6 का स्क्वायर 36 वो भी लेस देन 40 है। आगे अगर हम 7 लिखते हैं, 7 का स्क्वायर 49 वो तो ग्रेटर देन हो जाएगा, यानी कि x जो है वो कहाँ तक आ रहा होगा, 6 तक ही आ रहा होगा। तो इस सेट में कितने एलिमेंट्स आ रहे होंगे, 1 से लेके 6 तक, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, राइट द सेट ए इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो कॉमास लगा लगा के सेपरेट किया हुआ है और इस सेट को आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, मतलब डिफिनेशन फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट का नाम ए है तो हम ए लिखेंगे, इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस डालेंगे, फिर इन सारे एलिमेंट्स को एक वेरिएबल का नाम देंगे, वेरिएबल हमने क्या मान लिया, एक्स। फिर इस x को आगे डिफाइन करेंगे। अब डिफाइन कैसे करेंगे वो आपको यहाँ से जज करना है। अगर आप एक कॉमन पैटर्न देखें इनमें, तो कॉमन पैटर्न क्या चल रहा है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन, यानी कि ये स्क्वायर चल रहे हैं नंबर्स के। एंड नंबर्स कौन से हैं, 1 के बाद स्टार्ट हो रहे हैं, तो 1 के बाद स्टार्ट करने वाले को आप पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हैं, आप नेचुरल नंबर्स भी बोल सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि x वेरिएबल है, कॉलन डाल के कि x इज द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर, कि x क्या है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। आप इसको और एक तरीके से भी लिख सकते हैं, देखो a सेट लिखा, x वेरिएबल लिखा, कॉलन डाला, जैसे हमने ये लिखा है ना x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, वैसे ही मैं क्या लिख सकती हूँ कि x इज इक्वल टू n का स्क्वायर, बात तो वही हुई। इसी चीज को हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया और अगर डिफाइन भी कर दिया कि जो ये स्मॉल n वेरिएबल लिया है इट बिलोंग्स टू कैपिटल n, चैप्टर की इंट्रोडक्शन की स्टार्टिंग में आपको याद होगा मैंने कैपिटल n किसके लिए बोला था, नेचुरल नंबर्स के लिए बोला था, तो स्मॉल n जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, तो इसीलिए हमने लिखा x इज इक्वल टू n का स्क्वायर। बाद में n वेरिएबल जो यूज किया है उसे भी हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 समझते हैं, राइट द सेट, ये जो आपको सेट दिया हुआ है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, यानी कि आपको डेफिनेशन फॉर्म में लिखना है। अब डेफिनेशन फॉर्म में लिखना है तो कोई पैटर्न तो समझ में आएगी, किस पैटर्न में है ये, तो यहाँ पे आप पिक पैटर्न समझिए। पहले तो यहाँ पे 1 दिया हुआ है, जितना यहाँ पे दिया उससे एक नंबर बड़ा नीचे है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है उससे एक नंबर बड़ा 3 यहाँ पे है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है उससे एक नंबर बड़ा 4 यहाँ पे है, यहाँ पे 4 है फिर उससे एक नंबर बड़ा 5, एक नंबर बड़ा 6, एक नंबर बड़ा, तो एक नंबर एक इंक्रीज होके नीचे आ रहा है, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इस सेट को कोई नाम भी दे सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेट का नाम ए है इज इक्वल टू एक्स, x एक वेरिएबल है, सच दैट x को कैसे डिफाइन करोगे आप कि ऊपर जो नंबर है उससे एक बढ़ के नीचे आ रहा है, ऐसे ही हो रहा है, एक ये फॉर्मूला बना लेते हैं आप, तो ऊपर जो नंबर है उससे एक बढ़ के नीचे आ रहा है और ये जो n आपने माना है ये क्या है, 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, 1 के बाद नेचुरल नंबर्स होते हैं, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर है, और यहाँ पे आगे डैश डैश तो चल नहीं रहा, जैसे पिछले एग्जाम्पल में चल रहा था तो आपने बोला कि वो नेचुरल नंबर का स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे तो 7 तक आके रुक गया, तो आपको वो बताना भी है कि n कहाँ से कहाँ तक है, n 1 से स्टार्ट हो रहा है, लेस देन और इक्वल टू भी लगेगा क्योंकि 1 वैल्यू भी तो डली है तो इक्वल टू भी लगेगा, कहाँ तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है क्योंकि n की वैल्यू तो, अब आप बोलेंगे 7 तक जा रहा है आपने 6 क्यों बोला, देखो n में डालना है, यहाँ n की वैल्यू लास्ट क्या है, 6 है, फिर 6 प्लस 1 हुआ ना, यानी कि n में तो लास्ट 6 ही डाला, तो 6 की वैल्यू से लेस देन इक्वल टू है क्योंकि 6 भी डाला है तो यहाँ पे इक्वल टू साइन भी डालेंगे, मतलब 1 से लेके 6 तक वैल्यूज डली थी, ठीक है। तो आपको प्रॉपर डिफाइन करना पड़ेगा, ओके। एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब बहुत ही आपको ये जो एग्जाम्पल है वो क्लैरिटी देने के लिए दी हुई है कि सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म अच्छे से आपको समझ में आ जाए। देखो इधर आपको फर्स्ट बोला हुआ है पी आर आई एन सी ए एल, आपको ये लेटर दे दिए एक सेट में, अब ये इनसे किस डेफिनेशन से मैच करते हैं, ऑब्वियसली आपको ये लेटर सेम दिख रहे हैं, ये लेटर सेम दिख रहा है तो आप बोलेंगे इसी से ही, तो डेफिनेशन भी चेक कर लेते हैं कि x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड
प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल में जो लेटर्स आते हैं वो यहाँ पे आ गए। ऑब्वियसली आए दो बार रिपीट हो रहा है, हम रेपिटेशन नहीं लिखते हैं सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में, तो हमने आए एक ही बार लिखा है। पी दो बार रिपीट हो रहा है, पी एक ही बार लिखा है, तो ये बिल्कुल इसकी डिस्क्रिप्शन है। देन सेकेंड है जीरो। अब जीरो की बात क्या आती है, हम देखते हैं। अब हमारे पास तीन ऑप्शन बची हैं, देखते हैं किसका आंसर जीरो आता है। एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज अ डिवाइजर ऑफ 18। अब पॉजिटिव इंटीजर बोल दिया तो पॉजिटिव इंटीजर तो वन से स्टार्ट होंगे, तो जीरो तो आंसर आ ही नहीं सकता, गलत। एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो करती हूँ तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, नाइन, और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस थ्री। जीरो तो कहीं से नहीं आ रहा। यहाँ पे x प्लस वन इज इक्वल टू वन, वन वन कैंसिल हो गया, x की वैल्यू जीरो आ जाएगी, यानी कि यहां से वो मैच करता है। इसका आंसर क्या होगा, जीरो। वन टू थ्री सिक्स नाइन एटीन। अब ये सारे के सारे नंबर्स अगर हम देखें, ये सेकंड को तो सॉल्व करके प्लस माइनस थ्री आया, यहाँ तो होगा नहीं, एक ही ऑप्शन बची कि एक पॉजिटिव इंटीजर है और वो 18 से डिवाइड होता है, तो ये सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं, 18 से भी डिवाइड होते हैं, आप चेक कर लो, तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। देन थ्री एन माइनस थ्री, वो तो हम अभी निकाल चुके हैं यहाँ से, तो प्लस एन माइनस थ्री किस सेट में आ रहे हैं, बी सेट में, तो ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड वाली रोस्टर फॉर्म, ये राइट साइड वाली सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप आपको समझ में आया हो, तो एग्जाम्पल्स आपको समझ में आई हैं स्टूडेंट्स। अब मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस करवाती हूँ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हम नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में देखिए, फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। ठीक है, अब सेट्स क्या हैं ये आपको बताने, कौन से इनमें से सेट्स हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। अब अगर मुझे जे लेटर से शुरू होने वाले सब महीनों के नाम लिखने हैं तो मैं लिख सकती हूँ ना एक उसमें, क्योंकि सब मंथ्स की बात कर रहे हैं, हम बता सकते हैं, तो इनका एक सेट भी बन सकता है। ठीक है, तो ये यस है, यस दिस इज अ सेट। देन सेकंड है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, क्या हम वो एक सेट में लिख सकते हैं। अब आप बोल सकते हो कि हाँ 10 राइटर्स के नाम लिखने हैं जो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं, हम लिख लेते हैं, फिर भी इसका आंसर नो क्यों है। तो इसलिए नो है क्योंकि हम जब 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स की बात कर रहे हैं तो हो सकता है आपकी नज़र में राइटर टैलेंटेड कोई और हो, मेरी नज़र में 10 टैलेंटेड राइटर्स कोई और हो। टैलेंट तो देखने वालों की नज़रों पे डिपेंड करता है ना, किसी को कुछ पसंद आता है पढ़ने में, किसी को कुछ पसंद आता है, तो इन टैलेंटेड राइटर्स को हम एक सेट में नहीं डिफाइन कर सकते, क्योंकि 10 टैलेंटेड राइटर्स सेम ना भी हो, ये सेम ना हो, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो जो चीज़ डिफाइंड नहीं है उसको हम सेट नहीं बोलते, तो दिस इज़ अ नो। ऐसे ये टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन बताने हैं, तो वो भी तो आपकी चॉइस पे डिपेंड कर सकते हैं, आपको कोई और बैट्समैन अच्छा लग सकता है, मुझे कोई और, तो जब चॉइस आ जाती है तो वो वेल डिफाइंड नहीं रहता, एंड सेट्स की डेफिनेशन में ही आता है कि आपको वेल डिफाइंड बताना है, तो दिस इज अ नो। द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास, आपकी क्लास में जितने भी बॉयज हैं उनकी कलेक्शन कर दो। तो देखो क्लास में तो आपको पता है ना कितने लड़के हैं, और वो लड़कों के नाम भी डिफाइंड होंगे, ऐसा तो नहीं कि आज आपकी क्लास में एक लड़का गया कल दो और आ गए, ऐसा तो नहीं होता, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो येस इट इज अ सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, 100 से कम नेचुरल नंबर्स की कलेक्शन कर सकते हैं ना आप, 100 से कम नेचुरल नंबर्स 1 से 99 तक आएंगे, आपको पता है यही नंबर्स होंगे, तो इसका आंसर है यस, ये एक सेट बन सकता है। देन नेक्स्ट है अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी की जो राइटिंग्स हैं उनके नॉवेल्स की कलेक्शन बतानी है, तो मुंशी प्रेमचंद जी ने कुछ गिने चुने नॉवेल्स लिखे हुए होंगे, उनको आप काउंट कर सकते हैं, उनकी एक कलेक्शन भी बता सकते हैं कि ये सारे नॉवेल्स की कलेक्शन है, तो यस इट इज अ सेट। लास्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स की कलेक्शन। देखो इवन इंटीजर्स की एक कलेक्शन तो हो सकती है ना, चाहे आप उसको डैश डैश करके लिखें कि 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश डैश, तो ये कलेक्शन तो है, सेट तो है, एक जैसे होते हैं इवन इंटीजर्स। ठीक है, तो इवन इंटीजर्स की कलेक्शन को आप सेट बोल सकते हैं।
नेक्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. ये चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं, कुछ पता ही होंगे आपको कितने हैं. ऐसे तो नहीं कि बीच में से कुछ क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, उतने ही रहेंगे जितनी एनसीईआरटी ने बुक पब्लिश करके दी है. तो यस, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है. द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड. अब यहाँ पे भी चॉइस आ गई. जब चॉइस आ जाती है तो वो वेल डिफाइंड नहीं रहता है. हो सकता है मुझे कोई एनिमल डेंजरस ज्यादा लगता हो, आपको वो कम लगता हो. तो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स जो है वो आप नहीं बता सकते हो. ठीक है, सो दिस इज नॉट अ सेट. ओके, अब सेकेंड जो क्वेश्चन है ये बहुत आसान है. मैं इसका एक पार्ट आपको करके दिखाऊंगी, बाकी आपने करना है. सेकेंड क्वेश्चन देखिए, आपको ए सेट दे रखा है. आपको बोला है कि इसमें बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू सिंबल इंसर्ट कीजिए. जैसे फर्स्ट आपके पास है 5-A. क्या 5A सेट को बिलोंग करता है? ए सेट में 5 एलिमेंट आ रहा है. यस, आ रहा है. तो यहां पे हम क्या डाल देंगे? बिलोंग्स टू. ठीक है, 8 क्या ए सेट में आ रहा है? 8 तो आ ही नहीं रहा, तो डज नॉट बिलोंग्स टू. ऐसे करके आपने इनके आंसर्स बताने. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का भी मैं आपको पार्ट बता रही हूं. थर्ड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म में इन सेट्स को लिखना है. अब रोस्टर फॉर्म आपको पता है कि सब एलिमेंट्स को कॉमा से आप बता सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं. ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में देखिए, ए आपको बोला है कि ए एक सेट है जिसमें एक्स एलिमेंट्स है, और एक्स एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या है कि एक्स एलिमेंट्स इंटीजर है. इंटीजर तो आपको दे दिया एक्स, और उसकी रेंज भी दे रखी है -3 से 7 तक का है. अब क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे होंगे? तो देखो, एक मैं करके बता रही हूँ कि आपके पास ए सेट है उसमें क्या एलिमेंट्स आ रहे होंगे, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में लिखना है ना, एलिमेंट्स लिखने हैं -3 के बाद वाला, क्योंकि इक्वल टू तो लिखा नहीं है कि हम -3 भी इंक्लूड करें. -3 के बाद क्या आता है? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कहाँ तक? 7. 7 इक्वल टू नहीं लिखा हुआ कि 7 भी आप इंक्लूड करेंगे, तो यहीं पे. ठीक है, तो ये आपके पास रोस्टर फॉर्म हो गई. ऐसे ही आपने इन सब की भी रोस्टर फॉर्म लिखनी है. ठीक है, दिस इज योर होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. ठीक है, अब ये इनमें से एक करके बताती हूँ, आप इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे. अब सेट बिल्डर फॉर्म आपको पता है ना कि आपको इस चीज को डेफिनेशन फॉर्म में लिखना है, मतलब ऐसे में लिखना है. अब यहाँ पे देखिए, आपको पैटर्न समझना पड़ता है. पहले पैटर्न समझिए. ये आपको दिया हुआ है 3, 6, 9, 12. ये करली ब्रेसेस ही है, प्रिंटिंग मिस्टेक है. 3, 6, 9, 12, ये बेसिकली क्या आ रहा है? 3 का टेबल चल रहा है ना, 3 का मल्टीपल चल रहा है. 3 × 1, 3, 3 × 2, 6, 3, 3 × 9, 3, 4 × 12, ये चल रहा है. ठीक है, तो आप अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो आप लिखेंगे कि एक्स एलिमेंट्स हैं इस सेट में. इस एलिमेंट में जो एक्स एलिमेंट, इस सेट में जो एक्स एलिमेंट्स हैं उनकी डेफिनेशन क्या है कि एक्स इज इक्वल टू 3 × n. n क्या है? वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N. कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर्स, जहां पे n क्या है? नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है. और n के फैक्टर मतलब कहाँ से कहाँ तक वैल्यू जाएगी? आपको k लग रहा होगा, ये k नहीं है, ये ऐसे लिखा हुआ है. n की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी? 1 से शुरू हो रही है, और कहाँ तक जा रही है? 4 तक जा रही है. मतलब 1 भी है, 4 भी है, और इनके बीच में भी है. ठीक है, आप देख सकते हैं 3 × 1, 3, 3 × 2, 6, 3 × 3, 9, 3 × 4, 12. तो 1 से लेके 4 तक 3 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये डेफिनेशन. ये आपको बोली है कि x इज इक्वल टू 3 × n, वेयर n क्या है? नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, और n की रेंज कहाँ से आ रही है? 1 से लेके 4 तक आ रही है. ठीक है, सो इसी तरीके से आपने इसके जो बाकी पार्ट्स हैं, सॉरी ये बाकी पार्ट्स हैं, ये भी आपने करने. ठीक है, सो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही है. कुछ पार्ट्स आपके होमवर्क में भी हैं, तो इतना भी आज के लेक्चर में अगर आप ग्रास्प कर पाए तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा है. आपको बेसिक्स थोड़े समझ में आ जाएंगे. ज़्यादा हम नहीं करेंगे, बिकॉज चीज़ आपके लिए नहीं नई वाली है, आपने पहले कभी नहीं पढ़ी है, तो धीरे धीरे करके ही हम शुरू करेंगे. आज आपकी फर्स्ट क्लास है, तो इतना ही करते हैं. जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको नहीं आते हैं, जो आपसे